स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का। मैं हूं आपका जीव विज्ञान शिक्षक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायोलॉजी एक्स्ट्रा। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं किंगडम प्लांटी के अंतर्गत एल्गी की, एल्गी या सैवाल। अगर हम एल्गी को पढ़ने से पहले थोड़ा सा प्लांट किंगडम का क्लासिफिकेशन देख लें तो एल्गी को समझने में हमें आसानी होगी। तो चलिए जरा देखें, आपको मालूम है कि क्लासिफिकेशन जब हम प्लांट किंगडम का करते हैं तो हम ये देखते हैं कि सारे के सारे जो प्लांट्स होते हैं उनको दो भागों में बांटा गया है। सबसे फर्स्ट है क्रिप्टोगेम्स और दूसरा है फेनेरोगेम्स। क्रिप्टोगेम्स के अंतर्गत उन पादपों को शामिल किया गया है जिनमें फ्लावर नहीं बनते हैं, अर्थात सीड का फॉर्मेशन नहीं होता है, जबकि फेनेरोगेम्स के अंतर्गत उन पादपों को शामिल किया गया है जिनमें फ्लावरिंग होती है, सीड का फॉर्मेशन होता है। क्रिप्टोगेम्स के अंतर्गत थैलोफाइटा को इंक्लूड किया गया है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, थैलोफाइटा को इंक्लूड किया गया है और थैलोफाइटा के अंतर्गत उन प्लांट्स को शामिल किया जाता है जिनकी बॉडी थैलस के समान होती है। थैलस के समान होने से तात्पर्य है कि जिनमें रूट, स्टेम और लीव्स एब्सेंट होते हैं। थैलोफाइटा के अंतर्गत जब दो जगत वर्गीकरण किया गया था तब वहां पर एल्गी और फंजाई दोनों को शामिल किया गया था। अब चूंकि फंजाई को यहां से निकालकर पांच किंगडम क्लासिफिकेशन में फंजाई को यहां से निकालकर एक अलग किंगडम दे दिया गया है। तो अब हम बात करते हैं एल्गी, और एल्गी के अंतर्गत दोनों प्रकार के एल्गियों को शामिल किया जाता है, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। तो यहां पर एक बात और समझ लीजिए कि जो यूनिसेलुलर एल्गी है इसको भी यहां से निकालकर किंगडम प्रोटिस्टा के अंतर्गत शामिल किया गया है, तो बचे क्या, केवल मल्टीसेलुलर एल्गी। तो कहने का मतलब यह है कि थैलोफाइटा के अंतर्गत एल्गी को शामिल किया गया है और एल्गी के अंतर्गत मुख्य रूप से कौन सी एल्गी को शामिल किया गया, मल्टीसेलुलर एल्गी को शामिल किया गया है प्लांट किंगडम के अंतर्गत। तो चलिए जरा देखें कि एल्गी का मतलब क्या होता है। अगर आप देखें तो एल्गी जो शब्द है वह लैटिन भाषा के एल्गा शब्द से निर्मित हुआ है। एल्गा, एल्गा शब्द से उत्पन्न हुआ है जिसका अर्थ होता है सी वीड्स, अर्थात समुद्री खरपतवार। इट कंटेन 18,000 जेनरा एंड 29,000 स्पीसीज। अगर हम एल्गी की बात जब करते हैं तो इसके अंतर्गत लगभग 18,000 वंश और 29,000 जातियां सम्मिलित है। लेकिन अब सवाल यह उत्पन्न होता है कि ये एल्गी है क्या, तो हम उसको परिभाषित कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि एल्गी के अंतर्गत उन पादपों को शामिल किया जाता है जो एक्वेटिक, क्लोरोफिल युक्त, नॉन वैस्कुलर तथा थैलेकाइड होते हैं। प्लांट किंगडम के अंतर्गत उन पादपों को शामिल किया जाता है, एल्गी के अंतर्गत उन पादपों को शामिल किया जाता है जो एक्वेटिक होते हैं, जलीय होते हैं, क्लोरोफिल युक्त होते हैं जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, जो नॉन वैस्कुलर होते हैं अर्थात असंवहनी होते हैं जिनमें जाइलम और फ्लोएम एब्सेंट होता है और जिनकी प्लांट बॉडी थैलेकाइड होती है। ऐसे लक्षणों वाले प्लांट्स को एल्गी के अंतर्गत शामिल किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। एल्गी का जो अध्ययन है वो फाइकोलॉजी या एल्गोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। स्टडी ऑफ एल्गी कॉल्ड फाइकोलॉजी और एल्गोलॉजी। ध्यान रखिएगा कि स्टडी ऑफ एल्गी क्या है, स्टडी ऑफ एल्गी है फाइकोलॉजी या एल्गोलॉजी। फादर ऑफ फाइकोलॉजी जो है एफ ई फ्रिस को कहा जाता है। फादर ऑफ फाइकोलॉजी किसे कहा जा रहा है, एफ ई फ्रिस को कहा जाता है। वहीं पर फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी, भारतीय सहवाल विज्ञान के जो जनक है डॉक्टर एमबीपी आयंगर को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा कि फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी कौन है, एमडीपी आयंगर। चलिए अब एल्गी के हम कैरेक्टर्स देखें, कौन कौन से इसके कैरेक्टर होते हैं इस पर हम बात कर ले। तो बेसिक कैरेक्टर की हम जब बात करते हैं तो एल्गी के अंतर्गत जो है मुख्यतः एक्वेटिक प्लांट्स को शामिल किया गया है। अब ये एक्वेटिक होते हैं, जलीय होते हैं, तो इसका मतलब यह है कि ये फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं और मेराइन वाटर, दोनों प्रकार के वाटर में ये पाए जा सकते हैं, स्वच्छ जल में भी पाए जा सकते हैं और जो खारा पानी होता है, समुद्री जो पानी होता है समुद्र में, वहां पर भी ये पाए जा सकते हैं। लेकिन जरूरी नहीं
केवल एक्वेटिक होते हैं, एक्वेटिक के अलावा जो नम भूमि होती है वहां पर भी पाए जाते हैं, या नम वातावरण जहां पर भी कहीं होगा वहां पर एल्गी के पाए जाने की संभावना होती है। चलिए दूसरी दूसरा कैरेक्टर देखें कि इनकी जो प्लांट बॉडी है वो थैलेकाइड होती है। इनकी प्लांट बॉडी कैसी होती है? थैलेकाइड होती है, अर्थात विच इज नॉट डिफ्रेंसिएटेड इंटू रूट स्टेम एंड लीव्स, अर्थात जड़ और तना, जड़ तना और पत्तियों में इनका शरीर विभेदित नहीं होता। ऐसी बॉडी को क्या कहते हैं? थैलेकॉइड कहा जाता है। और एल्गी कैसे होते हैं? थैलेकॉइड होते हैं, उनकी बॉडी थैलस के समान होती है। अब यहां पर एक बात और समझ लें, ये इनकी जो प्लांट बॉडी है, अब ये अलग अलग मॉर्फोलॉजी कर बात करें, ये अलग अलग प्रकार की हो सकती है। ये यूनिसेलुलर हो सकते हैं, कॉलोनियल हो सकते हैं, फिलामेंटस हो सकते हैं, साइफोनियस टाइप के हो सकते हैं। तो इनको थोड़ा सा हम देख लें। मालूम है कि जो एल्गी होते हैं, एल्गी की जो प्लांट बॉडी होती है वो थैलेकाइड होती है। और एल्गी की अगर हम बात करें, थैलेकाइड बॉडी से तात्पर्य क्या है भाई? विच इज़ नॉट डिफ्रेंशिएट इनटू रूट स्टेम एंड लीव्स, है ना, इनमें जड़ तना और पत्तियां नहीं पाई जाती है। क्योंकि ये बहुत बड़ा ग्रुप है, तो बहुत बड़े ग्रुप होने के कारण यहाँ पर दोनों प्रकार की एल्गी की हम जब बात करते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर एल्गी की, तो यूनिसेलुलर एल्गी से ही मल्टीसेलुलर एल्गी का डेवलपमेंट हुआ है। और मल्टीसेलुलर एल्गी में अनेक प्रकार के वेरिएशन उनके थैलेकॉइड में पाए जाते हैं। लाइक जैसे कि ये यूनिसेलुलर हो सकते हैं। यूनिसेलुलर से तात्पर्य क्या है कि इनका जो शरीर है केवल एक कोशिका का बना हो सकता है। हालांकि इनको अब प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है, जैसे कि क्लोरेला। वहीं पर कुछ एल्गी ऐसे होते हैं जो समूह बना के रहते हैं, जिनको कि कॉलोनियल कहा जाता है, जैसे कि वॉल्वॉक्स। इनमें से प्रत्येक कोशिका स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करने की क्षमता रखती है। तीसरे प्रकार के अगर इनके थैलस की बात करें तो ये फिलामेंटस होते हैं। फिलामेंटस से तात्पर्य क्या है भाई? कि अनेक कोशिकाएं जो है वो श्रेणीबद्ध होकर तंतु के समान संरचना का निर्माण करती है, और जो कि आधार से जुड़े होते हैं। ये जो फिलामेंट है ये दो प्रकार की हो सकती है, जैसे अनब्रांच भी हो सकती है और ब्रांच भी हो, शाखित भी हो सकती है और अशाखित। शाखित की अगर हम बात करें तो जैसे कि एक्टोकार्पस पे, और वहीं पर अशाखित की बात करें यूलोथ्रिक्स और उड़ोगोनियम में इस प्रकार के फिलामेंट्स देखने को मिलते हैं। चौथे प्रकार की अगर हम बात करें साइफोनियस एल्गी की, कि ऐसे एल्गी जो लंबवत रूप से वृद्धि करते हैं, परंतु इनके मध्य पट का निर्माण नहीं होता, अर्थात मध्य पट का अभाव होता है, और जिसके कारण इनका जो प्लांट बॉडी है उसमें असंख्य केंद्रक दिखाई देते हैं, जैसे कि वाउच एरिया में। ठीक है, फिफ्थ टाइप के अगर हम इनकी प्लांट बॉडी की बात करें तो एडवांस थैलस के रूप में हो सकता है, कि ये हो सकता है कि बहुत से जो फिलामेंट्स है आपस में एक दूसरे के साथ जो है उलझ जाएं, और उलझ कर जो है आभासी पेरेनकाइमेटस सुका या थैलस का निर्माण करें। तो इस प्रकार की जो बॉडी है वो अल्वा में पाई जाती है, फ्यूकस में पाई जाती है, सार्गासम आदि में पाई जाती है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं इनकी जो बॉडी में जो सेल्स पाए जाते हैं, क्योंकि ये मल्टी सेलुलर है तो इनके जो सेल्स है उनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है। बिल्कुल कॉमन बात है कि भाई जितने प्लांट्स होंगे उनमें तो सेल वॉल होगी, और ये जो सेल वॉल होगी तो वो किससे मिलकर बनी होगी? सेल वॉल ये बनी होगी सेलुलोज से मिलकर बनी हुई होगी। चलिए एक और बात देखें कि इनकी सेल में जो है वो क्लोरोफिल पाया जाता है। अब क्लोरोफिल सीधी सी बात है कि अगर प्लांट है तो क्लोरोफिल पाया जाएगा, और अगर क्लोरोफिल पाया जाएगा तो ये अपनी भोजन का निर्माण भी जो है वो स्वयं करेंगे, और जब निर्माण स्वयं करेंगे तब ऐसी अवस्था में ये क्या कहलाएंगे? ऑटोट्रॉप्स कहलाएंगे, शोकोसी कहलाएंगे। चलिए एक और कैरेक्टर यहां पर देखें इसी के साथ। क्लोरोफिल के साथ साथ जो एल्गी होती है उनमें क्लोरोफिल के साथ साथ जो है वो जेंथोफिल, फाइकोबिलिन्स, कैरोटीन्स आदि भी उपस्थित होती है। इसी कारण तो एल्गी का वर्गीकरण किया गया है, इसको तीन भागों में बांटा गया है ना, ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी। चलिए आगे इनके प्लांट बॉडी की बात कर लें। इनकी जो प्लांट बॉडी है
उनमें वैस्कुलर टिश्यू नहीं पाया जाता। यहां पर हमने ऊपर में ही देखा ये नॉन वैस्कुलर होते हैं, अर्थात इनमें वैस्कुलर टिश्यू अर्थात जाइलम और फ्लोएम जो है वो एब्सेंट होते हैं। क्या एब्सेंट होते हैं भाई? जाइलम और जो फ्लोएम है, फ्लोएम कैसे होते हैं? ये एब्सेंट होते हैं। चलिए आगे और देख ले, इनमें स्टोर्ड जो फूड मटेरियल है, स्टोर्ड फूड मटेरियल विच इज स्टार्च, स्टोर्ड फूड मटेरियल इनमें क्या पाया जाता है भाई? स्टार्च पाया जाता है। स्टार्च जैसे कि जंतुओं में ग्लाइकोजन होता है, वैसे ही इनमें क्या होता है? स्टार्च होता है। चलिए अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की, महत्वपूर्ण कैरेक्टर है। अगर हम इनके रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो इनमें तीनों प्रकार का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। इनमें कायिक प्रजनन पाया जाता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पाया जाता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, साथ ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इनमें पाया जाता है। ठीक है, अगर हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें एलगी में, तो यह जनरली किसके माध्यम से होता है? फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है, अंडीभवन के द्वारा होता है। वहीं पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा होता है, बीजाणुओं के निर्माण के द्वारा होता है। अब ये अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, जो स्पोर्स हो सकते हैं, प्लेनो स्पोर्स हो सकते हैं, हेपनो स्पोर्स हो सकते हैं, ये अलग अलग प्रकार के स्पोर्स हो सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं तो एल्गी के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो यूनिसेलुलर एंड विदाउट जैकेट होते हैं। ये एक कोष की होने के साथ साथ इनके चारों ओर किसी भी प्रकार का आवरण नहीं पाया जाता, अर्थात हम कह सकते हैं कि ये यूनिसेलुलर एंड विदाउट जैकेट वाले होते हैं। इनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, सीधी सी बात है, मेल फीमेल बॉडी होगी तो यहां पर इनके मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होगा और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होगा। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसको एंथ्रेडियम कहा जाता है। ध्यान रखिएगा कि एल्गी में जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसे क्या कहते हैं? एंथ्रेडियम कहते हैं, जबकि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है वो ऊगोनियम होता है। और इनके अंदर मेल और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन किया जाता है, अर्थात एंथ्रेडियम के अंदर मेल गैमेट और ऊगोनियम के अंदर फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। अब एक बात और समझ लीजिए, जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है तो जायगोट का फॉर्मेशन होता है, लेकिन ये जो जायगोट है वो इम्ब्रू में कन्वर्ट नहीं होता है। ध्यान रखना कि ये भ्रूण में परिवर्तित नहीं होता है। चलिए एक और महत्वपूर्ण बात इनकी समझ लें कि जो एल्गी होता है जब उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो ये अलग अलग प्रकार से हो सकता है। ये हो सकता है आइसोगेमस हो सकता है, एन आइसोगेमस हो सकता है, या ऊगेमस भी हो सकता है। आइसोगेमस से तात्पर्य क्या है कि इनमें बनने वाले जो गैमेट है आकार में कैसे होंगे? समान होंगे। आइसो मतलब समान, लेकिन इनके कार्य कैसे होंगे? भिन्न भिन्न होते हैं। ऐसा प्रजनन जिसमें बनने वाले गैमेट आकार में समान हो, फ्यूज होने वाले गैमेट आकार में कैसे हो? समान हो, लेकिन कार्य में जब भिन्न होते हैं तब इस प्रकार के जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसको हम कहते हैं आइसोगेमस। जैसे कि एल्गी की हम बात कर रहे हैं तो यहां पर ये यूलोथ्रिक्स में ये पाया जाता है। एनआइसोगेमस से तात्पर्य क्या है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनने वाले जो गैमेट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? आकार और कार्य दोनों में भिन्न भिन्न होते हैं। इस प्रकार का एग्जाम्पल जो है पेंडोराइना में पाया जाता है। वहीं पर तीसरे प्रकार का ऊगेमस, ठीक है, ये ऊगेमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से तात्पर्य क्या है कि ऐसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एल्गी में पाया जाने वाला ऐसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें दोनों गैमेट टोटली एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, ठीक है, जैसे कि वाल्वास में पाया जाता है। चलिए आगे चलते, अगर हम बात करें तो एल्गी में जब देखते हैं तो यहां पर गेमेटोफिटिक जो जनरेशन है वो डोमिनेट होती है। गेमेटोफिटिक जनरेशन कैसी होती है? डोमिनेट होती है, जबकि स्पोरोफिटिक जनरेशन जो है वो शॉर्टली होती है, तथा गेमेटोफिटिक जनरेशन स्पोरोफिटिक पर जो है डोमिनेट होती है, प्रभावी होती है। हाँ, एक बात और समझ लीजिए कि स्पोरोफिटिक जो जनरेशन है वो केवल जायगोट के द्वारा शो होती है ना। तो कहने का मतलब क्या है, इनमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पीढ़ी एकांतरण एल्गी में क्या पाया जाता है? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। सिक्रीशन की जब हम बात करते हैं तो एल्गी को मुख्य रूप से तीन क्लास में बांटा गया है, क्लोरोफाइटा, फियोफाइटा और रोडोफाइटा। क्लोरोफाइटा अर्थात ग्रीन एल्गी, फियोफाइटा अर्थात ब्राउन एल्गी, तथा रोडोफाइटा अर्थात रेड एल्गी। अब इनका वन बाय वन आप अध्ययन कर सकते हैं या फिर एक कंपरेटिव रूप में इसका अध्ययन
कर सकते हैं। तो चलिए सम टाइम्स जो है हम इसका वन बाय वन अध्ययन करेंगे और कई जगह पे जो है कंपेरेटिव स्टडी भी इसकी हम करेंगे। तो चलिए जरा देखें कि क्लोरोफाइटा भाई ग्रीन एलगी क्यों है। ठीक है, क्लोरोफाइटा ये अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एलगी है, एलगी के सबसे बड़ा समूह है जिसके अंतर्गत लगभग 425 जेनरा तथा लगभग 7000 स्पीशीज शामिल है। इसमें मुख्यतः क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है और क्लोरोफिल के कारण ही ये जो है वो हरे रंग का होता है, ग्रीन कलर का होता है, इस कारण से इसे ग्रीन एलगी भी कहा जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल के अलावा इसमें क्लोरोफिल ए और बी तो होता ही है, साथ ही कैरोटीन और जेंथोफिल भी पाया जाता है। वहीं पर अगर हम फियोफाइटा की बात करें तो फियोफाइटा सेकेंड लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एलगी है, दूसरा सबसे बड़ा समूह है जिसके अंतर्गत लगभग 240 जेनरा और लगभग 2000 स्पीशीज इसके अंतर्गत शामिल है। फियोफाइटा अर्थात ब्राउन एलगी, इसका जो ब्राउन कलर है वो फ्यूकोजेंथिन के कारण होता है, जो लार्ज अमाउंट में इसके अंदर पाया जाता है, इसकी कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है। इसके अलावा इसमें क्लोरोफिल ए तथा क्लोरोफिल डी भी पाया जाता है, साथ ही बीटा कैरोटीन भी इसमें उपस्थित होता है। वहीं तीसरे तरफ चले रोडोफाइटा की बात करें तो रोडोफाइटा अन्य दोनों ग्रुप की तुलना में छोटा ग्रुप है और इसमें लगभग 5200 स्पीसीज के करीब करीब इसमें पाए जाते हैं। इसका रेड कलर इसमें उपस्थित वर्णक फाइकोबिलिन्स के कारण होता है, इसका रेड कलर किसके कारण हो रहा है, फाइकोबिलिन्स के कारण होता है। और इसके अलावा इसमें क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, फाइको इरिथ्रीन, फाइकोसाइनिन जैसे पिगमेंट भी उपस्थित होते हैं। चलिए अब थोड़ा सा हम कंपेरेटिवली स्टडी करें इसकी। देखिए क्लोरोफाइटा की अगर बात करें तो ये पाए कहां जाते हैं उसके आधार पर हम देखें तो जो क्लोरोफाइटा के जो मेंबर है वो मुख्य रूप से कहां पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। वहीं फियोफाइटा और रोडोफाइटा के जो मेंबर है वो मुख्यतः मेराइन वाटर में पाए जाते हैं। दूसरा कैरेक्टर हम देखें इनकी बॉडी कैसी होती है तो क्लोरोफाइटा के जो मेंबर्स है ये यूनिसेलर के साथ साथ ये मल्टीसेलर भी हो सकते हैं, लेकिन फियोफाइटा के जो मेंबर्स हैं वो कैसे होंगे, मल्टीसेलर ही होंगे और साथ ही रोडोफाइटा के मेंबर्स भी मल्टीसेलर होते हैं। क्लोरोफाइटा की अगर हम प्लांट बॉडी की बात करें, प्लांट बॉडी के आधार पर इनमें कंपेरिजन करें तो क्लोरोफाइटा के मेंबर यूनिसेलर हैं, एक कोशिकीय हैं, कॉलोनियल हैं, कॉलोनी बनाकर रहते हैं, साथ ही ये इनका जो थैलस है वो फिलामेंटस है। वहीं पर फियोफाइटा के जो मेंबर्स हैं उनकी जो प्लांट बॉडी है वो कैसी है, फिलामेंटस और पैरेन्काइमी होती है। वहीं पर रोडोफाइटा की जो बीच जो प्लांट बॉडी है वो कैसी होती है, फिलामेंटस और पैरेन्काइमी होती है। चलिए एक और कैरेक्टर देखें। अब हमने को मालूम है कि क्लोरोफाइटा का ग्रीन रंग किसकी वजह से होता है, क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है। और इसके अंदर जो है वर्णक उपस्थित होते हैं, कौन कौन से वर्णक उपस्थित है यहां पर, जैसे कि हमने देखा क्लोरोफिल ए बी, कैरोटीन, जेंथोफिल और अदर कैरोटीनॉइड जो है इसके अंदर उपस्थित होते हैं, साथ ही क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो है पाइरिनॉइड भी उपस्थित होता है। ठीक है, अब चलिए आगे हम बात करें। फियोफाइटा में क्रोमेटोफोर उपस्थित होता है, ये भाई क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्या पाया जाता है, क्रोमेटोफोर पाया जाता है। और जहां पर लेकिन पाइरिनॉइड एब्सेंट होता है, जो कि क्लोरोफाइटा में तो उपस्थित होता है लेकिन पाइरिनॉइड जो है फियोफाइटा में एब्सेंट होता है। क्रोमेटोफोर्स की अगर हम बात करें तो रोडोफाइटा में भी ये क्रोमेटोफोर्स पाया जाता है लेकिन यहां पर भी पाइरिनॉइड जो है वो अनुपस्थित होता है। चलिए एक और अंतर के आधार पर देखिए, सेलवाल के आधार पर देखिए तीनों में जो सेलवाल है वो कैसी होगी, बाइलेयर्ड होगी, द्विस्तरीय होगी, लेकिन अलग अलग कंपोनेंट से मिलकर बनी होगी। तो चलिए जरा देखें कि क्लोरोफाइटा के जो सेलवाल है टू लेयर्ड है, आउटर मोस्ट लेयर जो है सेलुलोज की बनी है लेकिन इनर जो लेयर है वो पैक्टिक मटेरियल की बनी है। वहीं पर फियोफाइटा की अगर हम बात करें तो इसकी आउटर मोस्ट लेयर जो है वो सेलुलोज की बनी है लेकिन इनर मोस्ट लेयर जो है वो जिलेटिनियस है। वहीं पर अगर हम बात करें रोडोफाइटा की तो रोडोफाइटा आउटर मोस्ट लेयर किसकी बनी है, सेलुलोज की, तीनों में कॉमन है लेकिन अंतर कहां पे है, इनर मोस्ट लेयर में। इनर मोस्ट लेयर जो है रोडोफाइटा की पैक्टिक मटेरियल से बनी है और साथ ही फाइकोकोलाइट से भी मिलकर बनी है। तो तीनों में ये डिफरेंस है कि एक में पैक्टिक मटेरियल भी पाया जाता है, एक में जिलेटिनियस और दूसरे में पैक्टिक मटेरियल के साथ फाइकोकोलाइट भी पाया जाता है।
चलिए स्टोर्ड फूड मटेरियल की बात करें, इसके आधार पर क्लोरोफाइटा के जो मेंबर्स होते हैं इनमें स्टोर्ड फूड मटेरियल स्टार्च के रूप में होता है, वहीं पर फियोफाइटा के जो मेंबर्स है उसमें मैनिटॉल और लेमिनेरिन जो है यहां पर स्टोर्ड फूड मटेरियल के रूप में होता है, वहीं पर रोडोफाइटा के जो मेंबर्स हैं इनमें फ्लोरिडियन स्टार्च एज अ फूड मटेरियल स्टोर्ड फूड मटेरियल के रूप में उपस्थित होता है, संग्रहित भोज्य पदार्थ के रूप में होता है। तो तीनों में अलग अलग भोज्य पदार्थ संग्रहित भोज्य पदार्थ पाए जाते हैं। चलिए एक और अंतर देख लेते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। क्लोरोफाइटा के मेंबर में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन प्रेजेंट और एब्सेंट दोनों हो सकते हैं, प्रेजेंट भी हो सकता है और अनुपस्थित भी हो सकता है, लेकिन फियोफाइटा और रोडोफाइटा के जो मेंबर्स है उन दोनों में ही अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है वो प्रेजेंट होता है। चलिए अब क्लोरोफाइटा के मेंबर्स कौन कौन है उन पर बात कर ले। इसके अंतर्गत जैसे क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, कारा आदि शामिल, ठीक है। यहां पर ध्यान रखिएगा क्लोरोफाइटा के मेंबर्स की हम बात कर रहे हैं तो क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स और कारा शामिल है। वहीं पर फियोफाइटा के अंतर्गत जैसे एक्टोकार्पस, फ्यूकस, लेमिनेरिया तथा सार्गासम शामिल है। वहीं पर रोडोफाइटा की अगर हम बात करें तो पॉलीसाइपोनिया, जिलेडियम और कॉन्ड्रस आदि इसके अंतर्गत शामिल है।